हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदिकास किचन। तो आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट मिठाई। इसमें शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी। और हाँ, जब हम मार्केट से लेते तो ये 1000 रुपये किलो तक जाती है। तो बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 कप खजूर ले लेंगे। इसके बीज निकाल देने हैं। पहले से मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं इस तरह से। और ना हो सके तो अपना इसे थोड़ा गीले वाले लीजिए। मेरे पास फ़िलहाल यही अवेलेबल था तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसे हम एक जार में डाल के पीस लेंगे। और पीसने के बाद इसे साइड में रख देते हैं। तब तक एक पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच पॉपी सीड, इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और 2 से 3 मिनट के लिए इसे रोस्ट करना है। और फिर सेम पैन में 1 चम्मच के करीब घी लेंगे। और इसमें अब हम ऐड कर देंगे अपनी ड्राई फ्रूट। ये ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मिठाई है और शुगर फ्री है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अच्छा है। तो चलिए, घी हमारा गर्म हो गया है तो इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 कप रफली चॉप किए हुए बादाम, 1/2 कप रफली चॉप किए हुए काजू और पिस्ता, और 2 से 3 बड़े चम्मच खरबूजे के बीज। और इसकी जगह ना आप अखरोट, अंजीर और फिर किशमिश कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो उस समय में, तो इसे डाल लीजिए। इतने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और इतना ज़्यादा महंगी मिलती है मिठाई, तो बिल्कुल ट्राई कीजिए घर में ही। और बाहर जो हम लेते हैं वो थोड़ी मिलावट वाली भी होती है। तो अब हम सेम पैन में ही ना जो हमने खजूर पीसे थे, बिना पानी के हमें पीसना है, एक बूंद पानी भी नहीं डालना है। तो इस तरह से इसे भी रोस्ट कर लेंगे। और ये देख सकते हैं थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में आ गई है। जब गर्म हो जाती है ना तो इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगी। तो इसके बाद हम अपना ना जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हैं इसे डालेंगे। ड्राई फ्रूट को भी हमें बस इतना ही रोस्ट करना है कि उसका कलर चेंज ना हो, बस वो थोड़ा सा क्रंची हो जाए। तो बस अब देख सकते हैं ये भी अच्छे से कोट हो गई है, पैन छोड़ रही है, इकट्ठे हो रही है, सिमट रही है। तो इस तरह से ना बिल्कुल ठंडा कर लीजिए और फिर रोल बना लीजिए। बिल्कुल ठंडा करने के बाद, गर्म रहेगी तो बिखरेगी है, इसलिए बिल्कुल ठंडा करिए। उसके बाद इस तरह से रोल बना लीजिए। या आप अलग अलग शेप साइज दे सकते हो, जैसे स्क्वायर ले लीजिए, बर्फी शेप दे दीजिए, लड्डू बना लीजिए, आपको जो पसंद हो। मैं अभी रोल बना रही हूँ जिस तरह मार्केट वगैरह में मिलते हैं इस तरह से। तो जो हमने पॉपी सीड रोस्ट किए थे ना, इसे हम इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे बिछा लेंगे ताकि इसे अच्छे से कवर कर सके। इस तरह से रोल कर करके कवर कर दीजिए। अच्छा, अगर पॉपी सीड नहीं है तो नारियल का चूरा भी ले सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर काजू को पीस लीजिए, उसका पाउडर बना के लगा लीजिए, या फिर बादाम को पीस लीजिए। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये तो आप पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम इसे अच्छे तरीके से कोट कर देंगे। ज़रा टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, खा के मज़ा ही आ जाता है। और मार्केट से जब हम लेते हैं तब तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलती है, 1000 रुपये तक जाती है। तो बिल्कुल घर में बनाइए, सिंपल सी रेसिपी है, झटपट बन भी जाती है, मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं बनाने में। तो इस तरह से अब हमने इसे रोल कर देंगे रैप से। क्लीन रैप ले लीजिए या बटर पेपर ले लीजिए या फॉइल ले लीजिए। और इस तरह से रैप करके 2 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट पे रख देंगे। फ्रिज में रखना है 2 घंटे के लिए, फ्रीज़र में नहीं। और 2 घंटे बाद अगर समय है तो 3 घंटे भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए, 2 घंटे बाद इसे हम अनकवर करके देख लेते हैं ये ठीक है कि नहीं, यानी कि सेट हो गया है कि नहीं। जब हम कट करें तो ये बिखरे नहीं, तो ऑलमोस्ट ये सेट है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा समय और दीजिए। तो ये देखिए, फर्स्ट स्लाइस मैंने कट कर दिया है, सेकंड भी कट करके आपको दिखा देती हूँ। और ये बिल्कुल लग रही है ना मार्केट जैसी, बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। जितनी अच्छी ना खाने में उतनी अच्छी है। और हाँ, जिसके कमर में दर्द या फिर और भी कोई प्रॉब्लम होती है, कमजोरी, वीकनेस वगैरह हो रही है, उनको भी दीजिए। अगर बच्चे ऐसे ड्राई फ्रूट नहीं खाते ना, इस तरह से बनाइए और एक एक रोज़ बच्चों को खिलाइए, बहुत ही हेल्दी है सभी के लिए। तो आई होप कि बनाने का तरीका पसंद आया होगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, लाइक, आपका 1 लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।